Welcome to Bollywood Kahani. Please subscribe and don't forget to press bell icon on the YouTube app to get notified whenever we upload new video from Bollywood Kahani. दोस्तों बिग बॉस 13 में मौजूद दो पुरानी दुश्मन हिमांशी खुराना और शहनाज गिल की खामोशी जल्द ही एक बड़े झगड़े में तब्दील होने वाली है। अपकमिंग एपिसोड में दोनों के बीच बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी और ये लड़ाई करवाएंगे पारस छाबड़ा। जी हाँ दोस्तों, पारस छाबड़ा शहनाज के सामने एक चिंगारी छोड़ेंगे और शहनाज उस चिंगारी पर भड़क उठेंगी। दोस्तों इसको पूरा जानने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को भी प्रेस करना ना भूलिए। जो खेल सकते हैं वो कोई नहीं खेल सकता। डियर आई कांट टॉलरेट दैट। हां ठीक है, तेरी प्रॉब्लम की तक बस अपने आप च रह। ठीक है, बस बूज ऑफ नहीं थे। तू तड़ा करके बात तो मत करना। क्या शुरू हो रही है शहनाज और हिमांशी की पुरानी दुश्मनी की नई कहानी? बाहर छोड़ दिया था ना, बोल रही हो इसको बोलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, तू कर की करना चाहती? तू कर की सकती है? तेरी है नहीं इतनी औकात। उसको बोलो दैट गर्ल आई डोंट वांट टू टॉक टू हर, मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। देख रहे हैं तुझे, टॉक टू मी, मेरे पास मत आना, डोंट टॉक टू मी। टूटा हिमांशी का सब्र, क्या आ गई है बदले की घड़ी? आई बड़ी, तोड़ दूंगी तुझे। है क्या चीज, धक्के मारे इसने मुझे, मुंह तोड़ दूंगी मैं इसका। कलर्स ने अपने इंस्टाग्राम पर आज के एपिसोड का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें साफ साफ पारस शहनाज से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हिमांशी को जो तू किलसा सकती है वो कोई और नहीं किलसा सकता। इसके बाद शहनाज हिमांशी के पास जाकर उनसे भिड़ जाएंगी। हिमांशी घर वालों से कहेंगी कि वो शहनाज को उनसे दूर रखें, लेकिन शहनाज जानबूझकर हिमांशी को परेशान करेंगी। बात इतनी बढ़ जाएगी कि परेशान होकर हिमांशी शहनाज को धक्का मार देंगी। आपको बता दें कि गुरुवार को एपिसोड में पारस और हिमांशी के बीच तगड़ा झगड़ा हुआ। शिपाली आरती और हिमांशी सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई में पारस के स्टैंड को लेकर कुछ बात कर रहे थे, तभी पारस भड़क जाते हैं और हिमांशी से तीखी बहस करते हैं। इस दौरान वो हिमांशी को साइड करने के लिए उन्हें हल्का सा हाथ भी लगाते हैं, जिस पर हिमांशी उन पर चिल्लाती है और कहती है कि वो उन्हें हाथ न लगाएं। इसके बाद पारस हिमांशी की कंट्रोवर्सी और फिगर को लेकर भी कटाक्ष करते हैं। हालांकि बाद में दोनों के बीच सुलह हो जाती है, पारस हिमांशी को सॉरी बोल देते हैं।